नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती का इंतज़ार, 12 लाख अभ्यर्थी कर रहे थे, उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया 8 जनवरी को। अंदेशा था कि पेपर कैंसिल होगा नहीं होगा, तो उन सारी ही चीज़ों पर विराम लग गया। कल 8 जनवरी से पेपर की शुरुआत हो चुकी है। आज है 9 जनवरी और हम हैं इंदौर के एक सेंटर पर, जहाँ पर MP की पुलिस भर्ती की जो परीक्षा आयोजित हो रही है और जिन्होंने परीक्षा दी है उनसे बात करते हैं कि आखिर कैसा लग रहा है, क्योंकि 4 साल से लगभग जो है बच्चे इंतज़ार कर रहे थे इस परीक्षा को लेकर के। क्या नाम भैया आपका? वैभव शर्मा। वैभव, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज पेपर है, कितने साल बाद हुई है भर्ती? ये 2017 के बाद हुई है, अब 21 में। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2016 से तैयारी कर रहा हूं। 2016 से, तो एक लंबा वक्त है, लंबे इंतज़ार के बाद आप दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपना रिएक्शन बताएं। पेपर काफ़ी अच्छा था, मॉडरेट लेवल का था, लाइक ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और एक अच्छा पेपर था, ऐसा है। सबसे बड़ी बात कि कोरोना की लहर भी है और लोगों को ये डर था कि पेपर होगा नहीं होगा। आपका एक पूर्व अनुभव होगा, सीनियरों से बात की होगी, तो इस बार जो पेपर हुआ है वो अन्य पेपरों से किस तरीके से अलग है जो पहले होते थे? पेपर इस बार आई थिंक पेपर की एजेंसी अलग है, पहले कुछ और एजेंसी थी, अभी और अलग है। पहले क्या इजी पेपर थे, अभी क्या लंबे अरसे बाद हुआ है तो काफ़ी पेपर का लेवल भी अप हुआ है पहले से। पहले इजी पेपर आते थे पटवारी के 2017 के टाइम देखो, तो अभी काफ़ी डिफ़िकल्टी चेंज हुई है पेपर्स। तो आपने एजेंसी की बात की, एजेंसी पर कई बार सवाल भी उठते रहे हैं, पहले भी व्यापम की जो कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा हुई, तो मन में इस प्रकार का छात्रों के डाउट तो नहीं है, आपके मन में तो नहीं है एजेंसी पर पूरा विश्वास? नहीं, अभी तो पूरा विश्वास है, जिस तरह से पेपर आ रहे हैं अभी कोई डाउट नहीं है इस प्रकार में किसी भी प्रकार जी, अभी नहीं। तो जो पेपर है आपका ऑनलाइन तरीके से हो रहा है, कितने घंटे की जो है परीक्षा है? 2 घंटे की परीक्षा, 120 मिनट। हाँ जी, और कोरोना के जैसे नियमों की हम बात कर रहे हैं तो जो प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पर भीतर वो किस तरीके? वो पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं, लाइक सैनिटाइजर है वहाँ पे, एक सीट छोड़ के एक बच्चे को बिठा रहे हैं, फिर हाँ एक के बाद एक, तो स्टाफ भी अच्छा है काफ़ी और सब व्यवस्था है, पानी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं। तो आप इंदौर से हैं बाहर से? नहीं, मैं राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तलेन से। हाँ, आप एग्ज़ाम देने यहाँ पर आए हैं, कितने घंटे पहले आपको यहाँ पर बुलाया गया? यहाँ पे 8 बजे था हमारा रिपोर्टिंग टाइम, 8 बजे आ गए थे हम लोग सभी। क्या नाम है आपका? अंतर डावर। ये बताइए कि आप जो पेपर दे रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आप कहाँ से आए हो, कितने साल से आप ये तैयारी कर रहे थे? मैं 2017 से ही 2017 से ही तैयारी कर रहा हूँ जी, और ये अभी काफ़ी टाइम हो गया, दो तीन साल और लॉकडाउन हुआ, जब से घर चले गए जी। वापस और ये एग्ज़ाम हुई, अभी भी संभावना है क्या नहीं है, बस इसी चक्कर में घर थे। अभी जैसे ही एडमिट कार्ड आए पता चला कि एग्ज़ाम होने वाली है अभी जी। एग्ज़ाम हो रहा है और इस एग्ज़ाम पर कई तरीके के जो है सवाल और पहले भी जो परीक्षाएं हुई हैं, तो इसको लेकर के आपको कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, किसी भी प्रकार का? वो तो पहले तो थोड़ा टफ था, पर अभी तो जी पेपर भी थोड़ा आसान हो। तो पेपर कैसा रहा आपका? अच्छा रहा जी। रिजल्ट का क्या सोच रहे हैं कि इंतज़ार जल्दी से, बस जैसे ही 17 फरवरी तक परीक्षा चलेगी और जो भर्ती जो पदों की संख्या उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, जो 4000 भर्ती पदों की संख्या उसको लेकर? वो तो सर जी, मतलब पद संख्या बढ़ जाए तो अच्छा रहे या ठीक है? हाँ, पद संख्या तो बनना चाहिए, पर अभी देखिए कैसे क्या। बिल्कुल। और रिजल्ट को लेकर के क्या कहेंगे कि रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाता है पेपरों का, या समय लगता है पहले जो परीक्षा हुई है? समय तो लगता है सर जी, समय तो लगता है। लोगों का कहना है कि कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है और एजेंसी इस बार बदल दी गई है, और रिजल्ट अगर समय पर आ जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए, ऐसा ना हो कि इन बच्चों ने इतने साल इंतज़ार किया है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2018 4 साल के बाद उनको नियुक्ति मिली, अभी शायद कुछ और रह गए होंगे, लेकिन अगर इसमें नियुक्ति जल्द से जल्द सरकार करा देती है अगले चुनाव से पहले, तो शायद और बेहतर हो जाए और इन लड़कों के चेहरों पर मुस्कान आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।